हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कश्मीरी तड़का ट्विस्ट। माय नेम इज जैस्मिन और आज हम बना रहे हैं एग मसाला इन कश्मीरी स्टाइल। ये ऑनियन एंड टोमेटो बेस्ड थिक ग्रेवी होती है विद टिपिकल कश्मीरी स्पाइसेस। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं बनाना एग मसाला इन कश्मीरी स्टाइल। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहे। सबसे पहले तो हम एग्स को बॉईल कर लेंगे। हमने यहाँ पर एग बॉयलर यूज़ किया है। आप किसी भी चीज़ में या तो पतीले में या कुकर में भी उबाल सकते हो। ये एग बॉयलर जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत क्विकली एग को बॉयल करता है। बस 5 मिनट में अंडे अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब हम इसको निकालेंगे और पील ऑफ कर लेंगे। आगे हमने लिया है 2 मीडियम ऑनियन जिसको हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। आगे हमने लिया है टोमेटो प्यूरी 1.5 कप। टोमेटो प्यूरी बनाने के लिए हमने टोमेटोज को बॉईल किया है और उसको पील ऑफ करके ग्राइंड किया है। तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें हम लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेंगे और एग्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको हमको तब तक फ्राई करना है जब तक ये हर तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कश्मीरी एग मसाला के लिए। बस देखिए अब अंडे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको साइड में निकालेंगे। अब हम किसी फोक के जरिए इन अंडों को हर तरफ से पोक कर लेंगे। इसकी वजह यह है कि जो ग्रेवी की टेस्ट है वो अंडों में अच्छे से सोक हो जाएगी। तो अब ग्रेवी के लिए एग्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब हम आगे बनाएंगे एग मसाला ग्रेवी। उसके लिए हमने एक पैन में लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 5 से 6 ब्लैक पेपर, 3 से 4 लौंग, बड़ी इलायची ली है 2। आगे हम इसमें डालेंगे अदरक लंबी लंबी कटी हुई और 3 से 4 लहसुन। फिर हमने लिया है 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के। अब इन सारी चीजों को हम 30 से 40 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई प्याज और इसको हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो ऑनियन का कलर लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें लगभग 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर लेंगे और इसको ढक कर पकाएंगे। ढक के पकाने से प्याज का कच्चापन बिल्कुल निकल जाएगा और प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस प्याज अच्छे से अब फ्राई हो गई है और बहुत सॉफ्ट भी। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई मसाले। सबसे पहले हमने लिया है 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून अदरक की पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर लिया है सौंफ पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर और गरम मसाला डाला है 1/2 टीस्पून। अब हम थोड़ी देर मसालों को फ्राई कर लेंगे 20 से 30 सेकंड। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे टोमेटो प्यूरी।
टमाटो प्यूरी डालने के बाद हमको इसको हाई हीट पर पकाना है और कंटिन्यूसली स्टर करना है, वरना मसाला जो है पैन को चिपक जाएगा। लगभग 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एग्स, और अब एग्स को मसाले के साथ हम अच्छी तरीके से सारी तरफ से कोट कर लेंगे। आगे हमने इसमें डाला है नमक लगभग 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। फिर हमने डाला है पानी 1 कप एंड 1 नाइस स्टर, और फिर अब हम इसको ढककर पकाएंगे लगभग 5 मिनट तक ऑन अ मीडियम फ्लेम। तो चलिए 5 मिनट बाद देखते हैं ग्रेवी का क्या हाल है। परफेक्टली डन हो गई है ग्रेवी, अच्छे से बॉईल हो रही है और कंसिस्टेंसी बिल्कुल यही चाहिए हमको। हम जो कश्मीरी मसाला बना रहे हैं वो बिल्कुल थिन ग्रेवी नहीं होती है, वो काफ़ी थिक ग्रेवी होती है, एंड दिस इज़ द राइट कंसिस्टेंसी दैट वी गॉट। सो दैट्स इट, अब हम चूल्हे को बंद कर लेंगे एंड इट्स रेडी टू सर्व। तो देखिए कितने आसान तरीके से बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने ये कश्मीरी एग मसाला बनाकर रेडी किया है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।